Hello ladies and gentlemen, this is your friend and host Vivek Saini and you're watching Vivo's Auto Vlogs. So guys, just welcome to my another vlog. Or vlog start karne se pehle main aapko bata deta hu ki main baitha hu apne official safarzade office mein aur ab aapko ye bata dungi hum logo ne set up kar chuka hai apna office aur ye shayad hone wala hai mera naya studio. To shayad aapko wonder ho raha hoga ki yaar ye kahan ab nayi jagah pe baitha hai. चलो स्टार्ट करते हैं पहले फ्यूचर कंसेप्ट के बारे में. मारुति सुजुकी ने कुछ एक डेढ़ महीने पहले एक इमेज लॉन्च करी थी, वॉलपेपर लॉन्च किया था जिसमें फ्यूचर एस क्रॉस के बारे में बताया था. लेकिन जब उसने ये बात बताई तो कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं दिखाई, ना कोई डिजाइन लैंग्वेज दिखाई कि किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. बस इतना हमें पता था कि वो एक क्रॉसओवर डिजाइन के प्लेटफॉर्म पे आएगी. तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि ऑटो एक्सपो में क्या अनवील किया मारुति सुजुकी ने. यह की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मारुति सुजुकी के बारे में कौन नहीं जानता है और सारे खिताब भी पाए हैं इंडिया में. एनीवे उसने अपनी एक क्रॉसओवर प्रेजेंस की गाड़ी इंडिया में फाइनली अनवील कर दी है. हालांकि वो अभी अपने कंसेप्ट स्टेज में ही है और अगर मैं बात करूं तो ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन लैंग्वेज है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब मारुति सुजुकी काम करेगी वो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन ही रहने वाला है. इंडियंस के लिए रोड प्रेजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहती है किसी भी कार को डिसाइड करने के लिए और यही रीजन रहा कि रेनॉल्ट क्विड एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल गाड़ी रही उस सेगमेंट की. इसी डिजाइन लैंग्वेज को समझते हुए मारुति सुजुकी ने फाइनली एक ऐसी गाड़ी का कंसेप्ट फिगर आपके सामने प्रेजेंट की जो शायद हमारे दिल को आने वाले टाइम में छू सकती है. हालांकि इस गाड़ी का जहां तक अनुमान लगाया जाता है वो ऑल्टो और सिलेरियो के बीच में ही प्लेस की जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग और 3.5 लाख रुपए से 6 लाख के पैकेज में ही इसको रखना चाहिए. मेरे को लगता है ये 1000 सीसी से 1.2 लीटर इंजन तक आ सकती है, यानी कि इग्नेस और ऑल्टो K10 की कैटेगरी के बीच में ये कहीं ना कहीं फॉल करती हुई नजर आएगी. डिजाइन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से. तो फ्रंट लुक में आपको पूरा ही कंप्लीट गॉगलिश लुक नजर आएगा जिसमें आपको हेडलैम्प जो है वो पूरे गॉगल फिगर में नजर आएंगे. साथ ही आपको बहुत बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस और स्किड प्लेट नजर आएगी. आगे से अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस देती हुई ये अभी तो नजर आ रही है. बहुत बड़े टायर्स और कूपे लाइक स्ट्रक्चर इसको दिया गया है. हालांकि ये अभी एक डोर में ही प्रेजेंट है, जब ये सड़कों पे उतरेगी तब आपको ये दो डोर्स के साथ में ही आएगी. एलईडीज का भरपूर इस्तेमाल किया गया है फॉग लैंप्स में भी और हेडलैम्प्स में भी. वही अगर इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करूं तो वहां पर भी आपको गॉगलिश फिनिश ही नजर आएगी. आपको ऐसे लगेगा कि चश्मे के शेप में इसको आकार दिया गया है. टेल लैंप्स को वहां पर भी एलईडीज का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है और नीचे से आप नजर दौड़ाओगे तो वहां पर भी आपको स्किड प्लेट डलती हुई नजर आएगी. अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो ये काफी कंपैक्ट आपको दिखेगी नजर आएगी और आपको ये सब 4 मीटर कैटेगरी में ही फॉल करती हुई नजर आएगी. ऑरेंज एंड ब्लैक कंट्रास्ट के कलर लेवल में इसको किया गया वहां पर अनवील. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट एन अपडेट रेगुलरली. अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार. ड्राइव सेफ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. सी या.